हेलो फ्रेंड्स, IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आए दिन पर्यटकों के लिए नए नए टूर पैकेज लेकर आ रहा है। इसी कड़ी में IRCTC आपके लिए ओडिशा के जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर, चिल्का झील और कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए एक शानदार और किफ़ायती टूर पैकेज लेकर आया है, जो यहाँ के महत्वपूर्ण मंदिरों और पर्यटन स्थलों को कवर करेगा। इस वीडियो में पहले हम आपको पूरी, भुवनेश्वर, चिल्का लेक और कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में बताएंगे और उसके बाद पैकेज की डिटेल्स पर जाएंगे, फ्लाइट शेड्यूल बताएंगे, संभावित यात्रा कार्यक्रम यानी टूर पैकेज की डे टू डे आइटनरी के बारे में चर्चा करेंगे, पैकेज में क्या शामिल है इसकी जानकारी देंगे तथा पैकेज का किराया क्या होगा ये भी बताएंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। जगन्नाथपुरी। मान्यता है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़कता है। ओडिशा को पारंपरिक रूप से भगवान जगन्नाथ की भूमि के रूप में जाना जाता है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के चार धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भुवनेश्वर। भुवनेश्वर मंदिरों का शहर, जिसका नाम तीन लोकों के भगवान त्रिभुवनेश्वर के नाम पर रखा गया है। यहाँ अभी भी 500 से अधिक बेहतरीन मंदिर संरक्षित हैं, जिनके चारों ओर शहर का धार्मिक जीवन घूमता है। भुवनेश्वर ओडिशा राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। यह पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक व सांस्कृतिक केंद्र है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह नगर अत्यंत महत्वपूर्ण है। भुवनेश्वर को पूर्व का काशी भी कहा जाता है। भुवनेश्वर वर्तमान में एक बहु सांस्कृतिक नगर है। चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है जो उड़ीसा में स्थित है। यहाँ खारे पानी की एक लेगून झील है। चिल्का झील 70 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है। दिसंबर से जून तक इस झील का जल खारा रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में इसका जल मीठा हो जाता है। इसकी औसत गहराई 3 मीटर है। झील में प्रवासी पक्षी भी खूब देखने को मिलते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर समुद्र तट पर पूरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। कोणार्क में 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है। मंदिर का श्रेय पूर्वी गंगवंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। भारतीय 10 रुपये के नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर को दर्शाया गया है। मंदिर का शिल्प, स्थापत्य और मूर्तिकला देखते ही बनती है। IRCTC के इस टूर पैकेज में आप इन चारों जगहों की विजिट करेंगे। पैकेज का नाम और कोड नंबर इस प्रकार है। पैकेज का नाम है एंथ्रेलिंग ओडिशा जन्माष्टमी स्पेशल। ड्यूरेशन 5 नाइट 6 डेज। कोड है WMA51। ओरिजिन मुंबई। डेस्टिनेशन भुवनेश्वर, चिल्का, कोणार्क, पुरी। डिपार्चर 13 अगस्त 2023। इंक्लूजन्स एयर, बस, होटल, मील, गाइड, एस्कॉर्ट एंड इंश्योरेंस। पैकेज डिटेल्स इस प्रकार है। फ्लाइट डिटेल्स इस प्रकार है। होटल्स की डिटेल्स इस प्रकार है। संभावित यात्रा कार्यक्रम यानी आइटनरेरी। पहला दिन 13 अगस्त 2023, मुंबई से भुवनेश्वर। मुंबई से प्रातः 10:10 पर एरोप्लेन से भुवनेश्वर के लिए रवाना होंगे और 12:25 पर भुवनेश्वर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से होटल जाएंगे, चेक इन करेंगे और लंच लेंगे। लंच के बाद ट्राइबल म्यूजियम देखने जाएंगे, खंडगिरी और उदयगिरी गुफाओं की विजिट करेंगे, वापस होटल आएंगे, डिनर लेंगे तथा ओवरनाइट स्टे करेंगे। दूसरा दिन 14 अगस्त 2023, भुवनेश्वर, पुरी। ब्रेकफास्ट के बाद होटल से चेकआउट करेंगे, बाय रोड पुरी के लिए प्रस्थान करेंगे। रास्ते में धोली स्तूप देखेंगे, कुशल कलाकारों और शिल्पियों के गांव पीपली और रघुराजपुर की विजिट करेंगे। पुरी पहुंचकर होटल में चेक इन करेंगे और बाद में भगवान जगन्नाथ स्वामी के मंदिर की विजिट करेंगे। पुरी के गोल्डन बीच की सैर करेंगे, होटल आएंगे, डिनर लेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। तीसरा दिन 15 अगस्त 2023, पुरी, चिल्का लेक, पुरी। सवेरे का नाश्ता लेकर चिल्का लेक जाएंगे।
पर्यटक स्वयं के भुगतान पर बोट लेंगे और बर्ड्स आइलैंड तथा डॉल्फिन साइट देखने जाएंगे। मार्ग में अलरनाथ मंदिर के दर्शन करते हुए वापस पुरी आकर होटल में डिनर लेंगे और नाइट स्टे करेंगे। चौथा दिन 16 अगस्त 2023, पुरी कोणार्क भुवनेश्वर। ब्रेकफास्ट लेने के बाद होटल से चेकआउट करेंगे और कोणार्क सूर्य मंदिर देखने जाएंगे। रास्ते में चंद्रभागा बीच भी देखेंगे। फिर कोणार्क से भुवनेश्वर जाकर होटल में रुकेंगे, डिनर लेंगे और ओवरनाइट स्टे करेंगे। पांचवा दिन 17 अगस्त 2023, भुवनेश्वर। सवेरे का नाश्ता लेकर ओडिशा के डायमंड ट्रायंगल, रत्नागिरी, ललितगिरी एंड उदयगिरी की विजिट पर जाएंगे। वापस भुवनेश्वर आकर रात्रि विश्राम करेंगे। छठा दिन 18 अगस्त 2023, भुवनेश्वर मुंबई। सवेरे का नाश्ता लेकर होटल से चेकआउट करेंगे। सवेरे भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर और राजरानी मंदिर में दर्शन करेंगे। कुछ समय शॉपिंग करेंगे और फिर 3 बजे भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर जाएंगे। रिटर्न फ्लाइट से मुंबई जाएंगे और 6:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसी के साथ टूर का समापन होगा। भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी के इस टूर पैकेज की कॉस्टिंग इस प्रकार है। क्लास कंफर्ट कैटेगरी एडल्ट ऑन सिंगल ऑक्यूपेंसी 43,700 रुपये, एडल्ट ऑन डबल ऑक्यूपेंसी 34,900 रुपये, एडल्ट ऑन ट्रिपल ऑक्यूपेंसी 33,500 रुपये, चाइल्ड विद बेड 5 से 11 साल 30,700 रुपये, चाइल्ड विदाउट बेड 25,800 रुपये, चाइल्ड विदाउट बेड 2 से 4 साल 21,200 रुपये। पैकेज इंक्लूजन्स यानी पैकेज में ये शामिल है। टूर पैकेज की बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए आप यहां संपर्क कर सकते हैं अथवा IRCTC की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।